तो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे सामने देखिए 14 इंची का एलजी का टीवी रखा है, ओरिजिनल एलजी का है। तो इसमें समस्या क्या है, इसमें लाइनिंग आ रही है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको एक इसका मॉडल नंबर दिखा दूं। तो इसका मॉडल नंबर कुछ इस तरह से है, 14CA3RBX। तो इसका ये टोटल मॉडल नंबर है दोस्तों। तो इसमें समस्या है, इसमें लाइनिंग आ रही है। कस्टमर ने कहा सर इसे करके कर देना, इसे मैं ले जाऊंगा कल के टाइम। तो मैं इसमें देखा ऑन करके, तो इसमें लाइनिंग आ रही है। वो कहता है इसमें लाइन लाइन से आ रही है, कुछ भी नहीं सही से दिख पा रहा। तो इसमें देखिए मेन लाइन आ चुकी है। तो मेन लाइन आने के बाद देखिए इसमें कभी हरा आ रहा है, ये कभी नीला आ रहा है। तो देखिए इसमें लोगो तो हमें पीछे की तरफ दिख रहा है, इसमें कुछ आता हुआ, पर इसमें लाइनिंग आ रही है ज़्यादा। तो इसको हमें कैसे ठीक करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहे तभी अच्छे समझ में आएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लेना। दोस्तों कल की जो वीडियो थी बहुत अच्छा प्यार मिला, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूअर्स आए और सभी ने अच्छी कमेंट की, और सभी का बहुत सौ का तो गैलो गैलो उसका ठीक भी हो गया। तो इसको भी हम ठीक करेंगे दोस्तों, ये समस्या कि क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमें पीछे का लोगो नज़र आ रहा है, मतलब स्क्रीन तो आ रही है पर इसमें लाइनिंग आ रही है। तो पहले हम देखेंगे कि ये समस्या किस तरह से आ रही है। तो दोस्तों इसको हम बैक कवर खोल लेते हैं। दोस्तों मैंने बैक कवर खोल लिया इसका। दोस्तों यहाँ पे EHT, पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैम ने दोस्तों ये ऑन किया, तो देखिए दोस्तों इसमें EHT में एक फोकस होता है, एक हमारा इसमें स्क्रीन होता है। तो दोस्तों ज़्यादा स्क्रीन का हमारा प्रीसेट ख़राब हो जाता है इसमें, तो तब भी ये समस्या आती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम चुकी है। तो एक बार थोड़ा सा फोकस करके घुमा के देखेंगे तो इस पर स्क्रीन पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो नहीं पड़ रहा है, तो हल्का बहुत पड़ रहा है। तो हम स्क्रीन को हल्का सा घुमाएंगे तो देखते हैं क्या है दिक्कत। तो देखिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन को घुमा, देखिए कभी बंद हो रहा है, कभी एकदम से ज़्यादा ही आ रहा है तो नीला। तो दोस्तों ये हमारा इसका प्रीसेट ख़राब हो चुका है। या तो हम इसमें EHT डाल दें, EHT फ्लाईबैक, या फिर इसी को ही हम हल्का सा सेट करके यहाँ पे आप कोई भी ग्लू घेर दें। तो पहले देखिए मैंने यहाँ पे वैसे सेट कर दी है, नीला उसमें आ चुका है स्क्रीन में। तो हम इसमें ऑडियो वीडियो इन देते हैं, तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि ये काम करा या नहीं करा ये ट्रिक हमारी। वरना अगर ये नहीं करता तो हम ड्राइव चेक करके पीछे के मॉस्फेट चेंज करेंगे, टांचा जो लगे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए काम कर चुका है, यानी कि ये इसका जो प्रीसेट था ये गल चुका है। अब जहाँ भी हमने यहीं पे छोड़ देना है और इसके ऊपर हम ग्लू स्टिक लगा देनी है, थोड़ी सी ग्लू लगा देनी है। तो थोड़ा सा इसको सफ़ा करने के बाद लगाएंगे। तो दोस्तों वो मैं कर लूँगा बाद में, फिलहाल देखिए ये चल चुका है। तो LG के टीवी में या बाकी टीवी में ये समस्या आ जाती है, क्योंकि इनका जो हमारा प्रीसेट होता है इनका अंदर की तरफ होता है, तो इसमें काफ़ी गंदगी जम चुकी है। तो हल्का सा ही प्रेस अंदर बाहर करने पे भी हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ही करने पे, ना वरना पूरा घुमाना पड़ता है ये जब आती है लाइन। तो देख लीजिए ये प्रीसेट की ही समस्या है, इसकी प्रीसेट ख़राब है ये। तो मैं इसको प्रीसेट को अगर थोड़ा सा थोड़ा भी इधर एडजस्ट करूँ तन मन से में, वरना इसका बहुत ज़्यादा होता है। हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता। तो ये प्रीसेट इसका ख़राब है, तो प्रीसेट हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप EHT डाल सकते हैं, या फिर यहीं पे सेट करके आप इस पर यहाँ ग्लू घेर दें, जिससे कि फिर धूल कण ना जमे। तो स्क्रीन का प्रीसेट था तो हमने ये सेट कर दिया, फिलहाल हम इस पर ग्लू घेर देंगे बाद में। तो फिलहाल दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, ओरिजिनल LG है। तो दोस्तों ये टीवी अच्छे से काम करने लगा है, तो मेरा सिर्फ इससे सर्विस चार्ज लेने का बनता है, 200 से 250 रुपये ले सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करना ज़रूर।